नमस्कार, कुमार रोशन, न्यूज पर बिहार, गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर के गांव, और अभी हमारे में फतुहा विधानसभा में कैसे प्रत्याशी से मिलाने जा रहे हैं गजेंद्र जी से, जिन्होंने अपने दावेदारी पेश की, और इनसे बात करते हैं कि आप जो जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, इस जनसंपर्क अभियान से सर क्या लग रहा है, क्या जीत की उम्मीद आपको लगती है? जी, हमारी जीत की उम्मीद 100% है, और हम यहाँ की तमाम जनता से अनुरोध करते हैं कि युवा को लाएं। जब तक युवा नहीं आएगा, विकास नहीं होगा। आज देख रहे हैं यहाँ फतुहा विधानसभा का हालत इतनी बदतर हो गई कि जनता त्राहिमाम कर रही है। ना यहाँ राशन का ठीक, ना रोड का ठीक, ना ही कहीं नल जल योजना का सही से उपयोग हो पाया है। रोड का तो इतनी बुरी स्थिति है कि लोग जा भी नहीं पाते हैं। आज किसी का अगर डिलीवरी का अगर केस आता है, उसमें रोड पर जा नहीं पाएंगे, इतना बदतर स्थिति है। लोग टॉयलेट के कारण रोड पर शौच करने पर मजबूर है। यही है रामायण जी के कार्यकाल का नतीजा। क्या आप लोग चाहते हैं कि फिर से यही सरकार आए? अगर यही सरकार चाहते हैं तो फिर से रामायण जी को वोट कीजिए, अन्यथा युवा को जरूर लाइए। हम चाहते हैं कि जब तक युवा नहीं आएगा, तब तक विकास नहीं होने वाला है यहाँ का। इसीलिए यहाँ पे से जनता अभी परेशान है। जनता को राशन भी नहीं मिल पा रहा प्रॉपर ढंग पे, ना उन्हें स्लिप मिल रहा, ना स्लिप भी मिल पा रहा है। बोल रहे कि नहीं मिल रहा है, कुछ आदमी तो मिल रहा है, क्या बोल रहा है? कुछ आदमी अभी नहीं, अभी बता रहा हूं, विधायक जी का सारा रोड ढलाई हो रहा है। एक चीज बताइए, आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? एक चीज बताइए, अभी मैं बता रहा हूं, अभी फतुहा विधानसभा में क्या चीज का दुख है? कोई चीज का दुख मैं बता रहा हूं, दुख बता रहा हूं, दुख। इनको वीडियो दिखाइए, वो कैसे तर रहा है, मैं मोरा देखिए ना, अभी आपके सामने है। दुख नहीं है यहां पे, सब विधायक जी का फंड दिया हुआ है, हर रोड ढलैया हो रहा है। आप सुनिए तो, कोई ऐसा रोड ढलैया नहीं, आप हर गली का निरीक्षण कीजिए आप। हाँ। मैं निरीक्षण ही कर रहा हूँ। दूसरा आदमी क्यों इतना ही माम कर रहा है? अरे सर जी, अरे 100 को मेरे को बोल दिया तो पांचों गुणी बराबर है, नहीं है पांचों गुणी बराबर? देखिए जो मिला है, कोई है, कोई छोट भी है, बड़ भी है। अच्छा, आप काहे कह रहे हैं विकास नहीं? आपको मैंने ऐसे बंद हो गया, अब डेंगू का महामारी चल रहा है, धीरे धीरे पॉल्यूशन भी बढ़ ही रहे हैं। अभी रास्ते अगर बनाए गए थे, लेकिन फिर भी इस रास्ते से इतने बसें गुजर रही हैं, इतने गाड़ियां गुजर रही है कि एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। सामने भी हुआ है, हमेशा एक्सीडेंट होता ही जा रहा है। अभी एक बच्चा, फिलहाल की बात है, सुनावा गांव जो बगल में है, वहां पर एक्सीडेंट रात में हुआ, वो बच्चा मर गया अभी सुबह में। तो इतनी गाड़ियां इस जगह से चलती है, क्योंकि ये गांव से रिलेटेड है, गांव से रिलेटेड जबकि ये रास्ते हैं, तो यहाँ से कुछ ही गाड़ियां जानी चाहिए, लेकिन इतने गाड़ियां चलते हैं जैसे लगता है बाईपास यही हो रहा है। तो इस तरह से अगर हाईवे की तरह चलाएंगे गाड़ियां, तो लोग कैसे आएंगे जाएंगे यहाँ पे? सिंगल रोड, और सारी सुविधाएं नहीं मिली, सिंगल ही रोड है, जो दो गाड़ी अगर आ जाती है तो बीच में जाम लग जाती है, बहुत बड़ा जाम लग जाता है। तो इस तरह की सुविधाएं जब विधायक बनते हैं तो उनको देखना चाहिए कि क्या समस्या है, किस तरह का यहाँ पर। तो क्या आपने विधायक जी के पास जाकर के अपनी परिस्थिति ये सब रखी उनके सामने? विधायक आए तो ना, ये तो बात ही हो जाती है कि हम अब भगवान कभी नहीं हुआ है, कभी देर नहीं है। हम जानते हैं, आज तक विधायक को देखे भी नहीं है, बोलते कि रामानंद देखे भी नहीं। हम 15-20 दिन पहले देखे कि ये रामानंद है, 20 दिन पहले कि यही रामानंद जी है। चलिए ठीक है, यहाँ का इतना बदतर स्थिति है कि जनता त्राहिमाम कर रहा है। तो क्या आप बदलाव करेंगे? अगर आपको यहाँ पे, यहाँ के जनता अगर आपको बनाते हैं, जीत दिलाती है, तो क्या बदलाव करेंगे? एकदम करेंगे। जनता चाह रही है कि युवा की सरकार आए, युवा का हर सोच को पूरा करे, हर उसका अरमान लगे कि हाँ, एक युवा के तरह, जैसे कि रोड पर टॉयलेट करना। अभी कोरोना काल में इतनी सारी महामारियां फैल रही है, उसके बाद भी हमारे विधायक जी को कुछ नहीं गूंज रहा है, जबकि उनको लगना चाहिए हमारे क्षेत्र में भ्रमण करे, जो भी कष्ट हम जाके मिले तो सही, कुछ नहीं तो कोरोना काल में भी तो जाके मिले कि हमारी जनता की क्या समस्या है, वो सुनने के लिए फुर्सत नहीं है। और जनता लोग जाते हैं उनके फ्लैट पर तो बताते हैं कि वो तो मिलता ही नहीं है, वो निकले हुए हैं साहब, अभी नहीं है, ये कहकर उनको लौटा दिया जाता है। बार बार जाते हैं लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। ये रहा हमारे फतुहा विधानसभा के माननीय विधायक रमन जी का करतूत। ना कोई अभी तक नीतीश कुमार सरकार यहाँ तक नहीं किया है। क्या किए तेजस्वी यादव, क्या किया यार? जब कोरोना काल में जितना गरीब दलित आदमी भूखे मर रहा था, उस समय जैसे कि घर 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 जाकर वहाँ, जैसे कि रोड पे यहाँ पहुँचाए थे, क्या पहुँचाए थे यहाँ पे आकर रोड पे जाकर झोला के साथ पहुँचाए थे तेजस्वी यादव? सरकार है, जब तक आप अपने अधिकार को खुद नहीं पहचानिएगा तो कोई भी आपको मूर्ख बना के चला जाएगा, कोई भी आपको मूर्ख बना के चला जाएगा। जो भी राशन में मिलता है, एक तो डीलर आपका बिल नहीं देता है, जो बिल लेना चाहिए। हाँ, ये बिल तो नहीं देता। क्यों नहीं मांगते हैं आप लोग?
टाइमली राशन मिलना चाहिए, दो महीना तीन महीना, आप जब भी कुछ हो तो हमें कंप्लेन करें, हम आएंगे देखने के लिए, हम आप लोग के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। किसी का कार्ड में भी प्रॉब्लम है, कार्ड नहीं बनता। आप विधायक जी जो यहाँ से जीत के गए हैं, उनका ये दायित्व बनता था कि SDO साहब को बोले, BDO साहब के माध्यम से कैंप लगाएं, कैंप लगा के जिनका राशन कार्ड नहीं बना उनका राशन कार्ड बनवाए। कहाँ राशन, कोई कहे है कोई के ना हवा बेटा मर वाला राशन कार्ड भी कुछ हो रहा है भैया, राशन कार्ड के बिना मर रहे ना तो सब चीज बिनो घर में कल ना घर हुआ गिर के धन मना ले तो का बाले बच्चे हाले बचे हुआ है बे बाले जे मर के बचे हुआ देखा ई में रही हुआ खाई हुआ ना मिला है इस बाले चे रहे आ कुछ पानी बरख ले तरा रामानंद जी के द्वारा कुछ किया जी क्या है? कुछ किए हैं आपके आप लिए? के लिए कुछ नहीं किए हैं। आप उधर बोलिए क्या तो बदलाव चाहते हैं? चाहते हैं कि बदलाव हो, जब तक बदलाव नहीं होगा तो कैसे होगा? आए, बदलाव चाहते हैं, बोलिए हाँ चाहते हैं ना बोले ला चाहे कुछ बोले ला चाहे ना तो कुछ कुछ बोलो क्या चाहिए? बदलाव चाहते हैं कि बदलाव हो, आपका कोई काम करे, नया आदमी चार द्वार ना मौसम से दो बेटी जी जी आपने मौसम से आधार रहे कि नहीं राशन मिलता है आपको सही से? राशन मिला है, मिले रहा जैसे मिला है। हर महीने देते हैं राशन? हर एक महीना मिलता है राशन? हर महीना राशन मिलता है, हर महीना मिलता है आपको? हर एक महीना मिलता है, फ्री वाला मिल रहा है, पैसा लग लूं कि ना? फ्री वाला मिलता है, फ्री में मिलते हैं कोरोना वाला में, फ्री वाला मिलता है, पैसा लगा कि नहीं? तोरा नहीं लगा? फ्री में मिलते हैं, पर्ची देते हैं, बिल देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, यानी कि आपसे पैसा ज्यादा लिया जाता है, ये मालूम है आपको? बिना बिल का पैसा ज्यादा लिया जाता है, तो आपका अधिकार बनता है ना, जब पैसा देते हैं तो बिल लेना चाहिए, बिल लेना चाहिए ना आपको? बिल नहीं देते हैं, अंगूठा लगा लेते हैं और बिल नहीं देते हैं। ये रहा रामानंद जी के कार्यकाल में डीलर लोग का मनमानी, हर जगह यही रिपोर्ट है। मेरा घर हुआ, इस बार दिया जाए मौका, एक बार मौका दीजिए, पिछली बार भी थे और हमारा बाल्टी छापी था, आप लोग के लिए संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो चाची दीजिए, इस बार, इस बार मौका दीजिए, लक्ष्मी दाकर मिलेगा ना? हाँ सब भाई सब है, बैनर कलर देखे जी जी जी, तो मौका दीजिए, इस बार बदलिए सत्ता, दीजिए बाल्टी छापे, ठीक है? पाँच नंबर में, हाँ पाँच नंबर में है, उम्मीद रखे ना? उम्मीद रखिए जी जी जी। उनपुर घर हुआ मेरा, तो एक बार सत्ता परिवर्तन कीजिए, जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्या लगते हैं कि रामानंद जी के इस कार्यकाल से खुश हैं? रामानंद जी से खुश हैं आप? रोड वोड बनाए हैं वो? तो जब नहीं बनाए तो चाहते हैं कि परिवर्तन बदलाव हो, तो इस बार दिया जाए, इस बार दीजिए। घर यही है ना, कुठिए ना? निकुनपुर है। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी, चचा हुए जी जी, चचा जी जी, तो इस बार जो है बदला जाए, बदलाव होगा ना? पांच नंबर पे दिया जाए, बाल्टी छाप, अभी तो जाएगा कहीं, अभी हुए ना? जी 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 जी, अच्छा अच्छा, नहीं जाते हैं, जाते रहते हैं ना, तो आइए, ठीक रहेगा। रुकनपुर से परसों लौटे हैं, हाँ सब लोग घूमने जी,